ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहती है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है। इसमें H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि H2 से H2O बना तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और दूसरे अभिकारक जो कि CuO है उसका अपचयन हो रहा है क्योंकि CuO से Cu बना तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई। इस तरह से इसमें एक अभिकारक का तो ऑक्सीकरण हुआ और दूसरे अभिकारक का अपचयन हुआ। ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं।